तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू पॉल गेमिंग चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। आई नो मैं काफी दिनों बाद दोबारा से एक और कार फॉर सेल की एपिसोड बना रहा हूँ। तो यार, लास्ट एपिसोड में आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने अपने लिए फाइनली ये क्रेजी सुप्रा खरीदी थी, टोयोटा सुप्रा। एंड ये जहां तक मेरे को लगता है ये MK5 है, क्योंकि MK5 इतना MK5 इतना मॉडर्निस्ट लुक है। एंड बट मुझे तो पर्सनली MK4 जो है वो ज्यादा पसंद है, बट फिर भी MK5 भी ऐसा कुछ कम नहीं है। तो फटाफट से पहले तो गाड़ी को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है अपनी टोयोटा सुप्रा। भाई अभी ये अपनी खुद की कार है, तो अभी समझ रहे हो ना, मतलब मैं इस गाड़ी के साथ तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। इस गाड़ी को एकदम साफ रखना है, बिल्कुल ही साफ। तो मैं फटाफट से चलो इसको साफ कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो गाड़ी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग का आज का मेन मोटिव है क्या एक्चुअली में। सो बेसिकली मैं अपना इस गेम में एक पूरा कार का कलेक्शन बना रहा हूँ। आप लोग राइट साइड पे देख सकते हो, सैटरडे चल रहा है, 20th डे। एंड आप लोग मेरा पैसे देख सकते हो, 66,000 रुपीज मेरे पास पड़े हैं। तो आज का मेरा प्लान क्या वो सुन लो। आज मैं एक मस्टैंग खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक टाइप के स्पोर्ट्स कार हो, सुपर कार हो, हाइपर कार हो, वो खरीदने वाला हूँ एंड अपने पास रखने वाला हूँ। सो दैट्स वाई अब आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, बट मुझे मस्टैंग तो चाहिए। अपने पास एक सुपरा है, मैंने सोचा था कि पहले हम लोग मस्टैंग खरीदेंगे फिर हम लोग सुपरा खरीदेंगे, बट हमें पहले सुपरा मिल गया तो सुपरा खरीद लिया हमने। तो अभी मेरे को एक्चुअली मैं आई गेस जाके दोबारा से सोना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑक्शन डे है। एक बार चल के देख के आते ऑक्शन में कौन सी गाड़ियां है, क्योंकि खरीदना तो मुझे मस्टैंग है। एंड उसके लिए आई गेस मुझे कार मार्केट प्लेस ओपन चाहिए होगा। कार मार्केट प्लेस में एक अच्छे वैल्यू में हो सकता है चांसेस है मस्टैंग मिलने के, क्योंकि कार मार्केट प्लेस में काफी महंगे महंगे गाड़ियां रहती है। तो एक बार ही देखते हैं, मुझे ये एक ट्रिक पता चली है कि हम लोग अगर कार ऑप्शन के लिए ऐसे पीछे से जाएंगे थोड़ा सा और मुझे लेफ्ट को खिसकाना पड़ेगा एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अगर। एंड एक सेकंड, मुझे अपना ये पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे करके हमें दिख सकता है, ये तो बेकार गाड़ी है, ये कोई फायदेमंद की नहीं है। हमें सिर्फ मस्टैंग से मतलब है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मुझे कुछ तो क्रेजी सी कार दिखी है जो कि सेकंड में है। एक सेकंड, बैक लो बैक, ये कौन सी कार है? ओ भाई, ये मस्टैंग है गाइस, पहले ही हम लोग को मस्टैंग मिल गया। इतनी सही किस्मत अपनी कैसे हो सकती है यार। ओके, अब पैसों का देखना पड़ेगा। काश मेरे पास जितना पैसा है 66,000, उसमें सब कुछ हो जाए। 12 बजे का ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, 2 बज रहे ऑलरेडी। तो यस, गेम में मजा तो आ रहा है। फटाफट से कार से एग्जिट करते हैं, मैं इसका टिकट खरीद लेता हूँ। फटाफट से हम लोग को मस्टैंग खरीदना है। ओके, टिकट खरीद लिया। अभी मैं 2 बजे तक का यहीं पे वेट करने वाला हूँ। मैं कुछ रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, मुझे चाहिए भाई मस्टैंग, चाहिए तो चाहिए। तो या मैं आप लोगों से सीधा इस गेम में 2 बजने के बाद ही मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो 2 बज के पार हो चुका है एंड ऑक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, पहली गाड़ी आ चुकी है। लेट्स सी अगर हम लोग को, भाई साहब ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, मैं अभी उस पर कोई बिड विड नहीं लगाने वाला हूँ। बाद में पता चला मैंने पैसे वेस्ट कर दिए एंड उसके बाद मस्टैंग खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। वैसे गाड़ी तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या गाड़ी है, ये बक रेगार ऐसे टाइप की कोई गाड़ी होती भी है, मुझे पता नहीं। वैसे चली बहुत कम है, ये 5,474 किलोमीटर चली है। गियर मैनुअल है एंड ईयर्स 1978 की कार है, बहुत पुरानी कार है। तो मैं इस पे बेकार का पैसा वेस्ट करने नहीं वाला हूँ। एंड आई गेस ये सोल्ड होने वाली है एंड ये लास्ट। ओके भाई साहब, ये लोग बिट तो कर रहे हैं भाई, एंड अभी ये मेरे प्राइस के भी बाहर हो चुके हैं। मेरे पास 66,000 रुपीज है एंड ये 66,288 में भी का एड अब आ चुका है। मस्टैंग,
ओ भाई ये काफी सस्ती है यार, 25,000 की कार है। सही है यार। ओके बिड लगाना है, मैं इस पे बिड लगाने वाला एकदम ही एंड पे, एकदम एंड पे बिड लगाना है। जब एकदम लाइक लोग बंद करने वाले हो गए ना बिड को, तब मैं इस पे बिड लगाने वाला हूँ। मुझे लगता है, फीलिंग आ रही है कि ये 40 के आसपास तो चली जाएगी ये कार आराम से। तो लेट सी, 30 तो ऑलरेडी हो चुकी है। एंड भाई मेरी थोड़ी सी फट रही है, मैं कहीं मिस ना कर दूँ बिड लगाना। ओके मैं अभी लगा रहा हूँ। ओके मैंने लगा दिया। ओके किसी और ने भी लगाया है, मैं दोबारा लगा रहा हूँ। भाई मुझे रिस्क नहीं लिया ना, मुझे चाहिए भाई ये कार। एक और बार लगा रहा हूँ मैं। अबे यार छोड़ दो यार, 37,000 ऑलरेडी हो चुकी है ये कार। मैं दोबारा लगा रहा हूँ, अगर इस बार नहीं हुई तो मैं एकदम 1,500 लगाने वाला हूँ। ये लो भाई 1,500 रख लो तुम लोग। 40,000 पहुंच चुकी है कार। एंड फाइनली गाइस, मस्टैंग अपनी हो चुकी है। नाम देख लो नूब, मैंने चेंज नहीं किया है नाम, नूब ही रह गया है आई नो, बट फाइनली मस्टैंग अपनी हो चुकी है। ये सिट्रन A1, वैसे ये इस कार में मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं खरीदने नहीं वाला हूँ। एंड अभी देखते हैं कि और भी कोई गाड़ी आती है या नहीं। जो फोर्थ कार है वो कुछ अच्छे खासे 25,000 में आती, क्या मिल सकती है हम लोग को, देख लेते हैं। एंड आप लोगों से मैं इस ऑप्शन को खत्म होने के बाद ही मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली ऑप्शन खत्म हो चुकी है। एंड मेरे जस्ट पीछे अपनी नई कार खड़ी है, मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग GT, जो कि है ये गाड़ी। भाई साहब दिखने के तो काफी गंदी है ये कलर में, भाई इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, बट बाकी स्टाइल देख लो यार तुम लोग एक बार इसका, क्या ही क्रेजी लुक है। टायर भाई क्या, भाई कौन सा टायर लगाया, बच्चों की गाड़ियों के टायर लग रहा है। एंड भाई पीछे से भी क्या ही सेक्सी लग रही है ये गाड़ी, काफी सुंदर है ये गाड़ी। एंड मुझे तो पसंद आ चुकी है, अभी हम लोग इसी को ड्राइव करके लेके जाने वाले हैं। मुझे इसको थोड़ा सा कलर वलर चेंज करना है, तो मैं फटाफट से सुपरा को ना एक काम करता हूँ, मैं टो करा देता हूँ अपने उसमें, मतलब अपने शोरूम में। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं मस्टैंग में बैठ के, एंड फटाफट से चलते। ओके उसका एंट्री सीट वहां से एंटर करते हैं। एंड भाई साहब गाइस यार, इंटीरियर देख ले एक बार ही गाड़ी का, क्या ही मस्त है यार। मुझे तो यार एक रियल लाइफ में भी मस्टैंग खरीदना है, बट लेट्स सी क्या मैं कभी खरीद पाता हूँ भी या नहीं। फटाफट से चलते हैं, कैमरा एंगल चेंज करते हैं। ऑल राइट यार, ये काफी गंदी कलर है यार, पता नहीं क्यों। एक बारी, एक सेकंड, मुझे एक बारी गाड़ी से उतरने दो। मुझे एक बारी चेक करना है कि क्या इसमें कुछ भी डैमेज वगैरह है। ओके नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं है। इसमें ABS इंस्टॉल्ड है, TCS इंस्टॉल्ड है, टर्बो भी इंस्टॉल्ड है। भाई साहब गाड़ी तो है यार, भाई वो काफी सही गाड़ी है, इसके लिए पैसे देना मैं तो वर्थ इट मानता हूँ। फटाफट से चलते हैं रिपेयर सेंटर पे, एंड मुझे इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग इसका टॉप स्पीड भी चेक करने वाले हैं कि कितना जाता है ये, कितनी जाती है ये, मतलब बेसिकली टॉप स्पीड में। एंड बाकी सब भी इसका चेंज करने वाले हैं। कलर तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि इसका कलर एक्चुअल में करना क्या है। एंड ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अरे यार क्या बदतमीजी है यार, मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ एंड रात हो गई है। कोई नहीं, आज के दिन हम लोग बस से ट्रेवल करके जाते हैं अपने घर। एंड मैं आप लोगों से सीधा कल मिलता हूँ। इसको रिपेयर, मैं इसको रिपेयर सेंटर में घुसाया क्यों है, मैंने इसको रिपेयर तो कराने नहीं है भाई, बातों बातों में मैं क्या कर जाता हूँ, मुझे कुछ खुद कुछ नहीं पता चलता है। बट फटाफट से चलते अपने कंटेनर में, कंटेनर में चल के सोते हैं। एंड फिर मैं आप लोगों से अगले दिन मिलता हूँ। एंड अभी हम लोगों को उसको काफी ज्यादा मॉडिफाई करना है, एंड फिर हम लोग उसका टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मस्टैंग को लेके मैं आ चुका हूँ इधर पे। एंड पार्ट्स तो सब कुछ एकदम ही सही है, मुझे इस पे कलर सेट करना है। मुझे इस पे ना थोड़ा सा ऐसा डार्क ग्रीन कलर सा लगाना है, वो काफी ज्यादा क्रेजी लगने वाला है इस पे, मेरा तो ये मानना है। एंड फिलहाल को तो ये नहीं, ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा, इस टाइप के कलर पे चलो। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आओ, एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो रहा है, नहीं
नहीं, यार लाइट ग्रीन में ये वैसे प्यारी तो लग रही है, बट मुझे थोड़ा सा ना वैसा कलर जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर को लेके आ जाऊँ, थोड़ा सा पैलेट को इस तरीके का कर दूँ, तो भी मतलब मुझे लगता है कि ये डर्टी है, उस वजह से इसका जो कलर वो उभर के नहीं आ रहा है। बट जहाँ तक का मेरे को फील है, ये गाड़ी होने वाली बहुत प्यारी है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग ही हो रहा है। मैं एक बार ही ना इसको पेंट कर रहा हूँ, एंड एक बार इसको पॉलिश करके देखते हैं, मतलब साफ करके देखते हैं। हो सकता है कि डर्टीनेस की वजह से ये वैसी हो रही हो, क्योंकि गाड़ी में कलर, ये कलर तो काफी गंदी सी लग रही है। मुझे थोड़ा सा अलग टाइप का कलर चाहिए। एक बार ही ना साफ करके देखते हैं। टैब क्लॉथ मैं आप लोगों से एक बार साफ करने के बाद मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने गाड़ी को क्लीन तो किया है, बट मुझे ना इसका कलर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस पर दोबारा कलर करने वाला हूँ। एंड इस बार थोड़ा सा लाइट लेते हैं। क्यों ना, ओके ये तो कुछ ज्यादा ही लाइट हो रहा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्लूइश टाइप पे ले जा सकूँ, क्या हो अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा सियान कलर सा करें। ये कलर काफी सही लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश कलर चाहिए इसके। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, ये तो बहुत डार्क हो रहा है, बहुत वाहियात लग रहा है। थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर, एंड इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। ये थोड़ा सा सही लग रहा है कलर, बट आई गेस सियान कलर करना है बेस्ट रहेगा इस पे। थोड़ा सा डार्क, नहीं यार डार्क कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है मस्टैंग पर, ये अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना यही कलर करा जाए। एक बार ही देखते हैं पॉलिश में कि गाड़ी ओके। एक सेकंड, कहीं ये सब स्मूथनेस की वजह से तो नहीं हो रहा है? अभी देखो स्मूथनेस कम करने के बाद ये कितना सही लगने लगा है। अभी अगर मैं कोई ग्रीन कलर लूँ, यार ग्रीन कलर कोई अच्छा सा क्यों नहीं है? सब एकदम पुराने टाइप के फीके फीके कलर लग रहे हैं, एंड या फिर एकदम ही लाइट हो रहे एकदम कलर। ये कलर चाहिए था मेरे को, थोड़ा सा और डार्क अगर मिल जाता ऐसे। यस, ये वाला कलर चाहिए था मेरे को। ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो रहा है, ये परफेक्ट कलर है, यही कलर चाहिए था मेरे को। तो ये कलर मैं कराने वाला हूँ अपने मस्टैंग पर, एंड मैंने बेफालतू का इस पे 600 रुपये खर्च दिए है। बट अभी अपनी मस्टैंग लग रही है बहुत ही ज्यादा प्यारी। तो एक बार ही ना मुझे मेटेलिक भी यूज करके देखना है इस पे कि मेटेलिक कम करने के बाद ये कैसी होती है। इसका स्मूथनेस कम करो सबसे पहले, तो अभी लग रही है ना ये क्रेजी कार। एंड अगर मैं इसका मेटेलिक बढ़ाऊं तो ये काफी लाइट हो जा रही है, काफी ज्यादा लाइट हो रही है। ये मेटेलिक को इतना रखना सही है, एंड अभी पॉलिश कर दो कार को। ओके हो गया है, बस सही है। अब बैठते हैं गाड़ी पे। अभी मुझे इस पे किटे विटे लगानी पड़ेगी, एंड इसका प्लेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अपनी कार है तो इसके प्लेट में कौन क्या लिखा होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे लाके पार्क करते हैं धीरे धीरे आराम से। कमॉन कमॉन, हो गया, आ जाओ। एंड इंजन बंद करते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, एंड अभी देखते हैं। देखो इस पे रेसिंग किट तो है ही नहीं है, तो रेसिंग किट इंस्टॉल करवाओ। ड्रिफ्ट किट मुझे नहीं चाहिए, ESP इंस्टॉल करवाओ, ABS, TCS, टर्बो सब कुछ इंस्टॉल्ड है इस पे। नॉस डलवाओ। सस्पेंशन देखते हैं, फ्रंट सस्पेंशन अगर थोड़ा ऊंचा करे तो ये काफी ऊंचा हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए इतना ऊंचा। भाई ये रेसिंग कार है, तो रिस्टोर कर देते हैं, जैसा था वैसा ही रखते हैं इसको। एंड लाइट्स देखते हैं, लाइट्स मुझे थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप चाहिए अब इस पे। अगर डार्क ग्रीन एकदम ही कुछ क्रेजी सा अगर कलर मिल जाता तो ऐसा कुछ अगर मिल जाए तो। ये लग तो क्रेजी रही है, ये सही लग रहा है मेरे को ग्रीन कलर। इसको भी अपडेट करो। प्लेट में अपने को ये वाला प्लेट चाहिए,
एंड इसमें नाम ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को कौन सा नाम चाहिए, तो ऑफ कोर्स भाई इसमें लिखा होना चाहिए पॉल। सही है, इसको भी अपडेट करो। एंड अभी हम लोग को व्हील देखना है, क्योंकि ये व्हील तो बहुत बच्चों के खिलौने जैसे लग रहे हैं, ये बहुत गंदा लग रहा है, ये व्हील ये तो बहुत ही गंदा है, ये बहुत गंदा है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, बट ये BMW का है एक्चुअली में, ये व्हील काफी क्रेजी लग रहा है भाई, 5,000 का व्हील है, क्या बेच रहे हो यार तुम लोग भाई साहब, क्या बेच रहे हैं यार ये लोग, यही जानते हैं, ये तो बहुत ही गंदी है, ये 1,500 की है बट इतनी खास नहीं लग रही है मुझे, ये या फिर ये में से कोई एक चाहिए, मेरा गाड़ी लाइट कलर्ड में है तो ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये पूरा एकदम ना ब्लैक है, एंड ब्लैक मेरा गाड़ी इतना डार्क है नहीं है, तो इसलिए उस पर ये जचेगा नहीं, तो दैट्स वाई मैं इस वाले के साथ जा रहा हूँ, 5,000 का व्हील मैं लगाने जा रहा हूँ, कम ऑन गाइस, लगा दिया भाई साहब, कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया, अभी 18,000 रुपये पड़े हैं बस जेब में, बट कार अपनी हो चुकी है पूरी मस्त एकदम, पड़ा वैसे बैठते इसके अंदर, अभी चलते अपने कार को टेस्ट करने के लिए, एक टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं, एंड फिर देखते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है, कहाँ तक आप पहुंच पाती है ये टॉप स्पीड के मुताबिक, एंड फिर इस वीडियो को एंड करते हैं अपनी सेकंड कार को लेके, एंड भाई मैं कैसे चला रहा हूँ यार इसको, ओके देखते हैं, वो टो ट्रक कहाँ पे रहती है, उस साइड को रहती है ना शायद से, चलते हैं एंड फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं, इसका एक्सलरेशन तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं है, पॉप्स तो मार रही है वैसे, बट लेट्स सी कि क्या होता है नहीं होता है, सीधा मैं आप लोगों से वहीं पे मिलता हूँ, कार मार्केट प्लेस भी ऑन है बट मैं आप लोगों से सीधा वहीं पे मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो कार अपनी पहुंच चुकी है, गाड़ी रेडी है, सो लेट्स सी इसका टेस्ट करते हैं, इसका स्पीड वगैरह, सबसे पहले हम लोग सेम जैसे हमने सुपरा के साथ टेस्ट किया, तो वैसे हम लोग टेस्ट करने वाले, सबसे पहले विदाउट नॉस हम लोग देखने वाले कि ये 1 to 100, आई मीन 0 to 100 कितने स्पीड में करती है, एंड फिर हम लोग विद नॉस देखने वाले, एंड साथ ही साथ हम लोग इसका टॉप स्पीड भी चेक करने वाले, सो लेट्स गो शुरू करते हैं इस रेस को, एक्सेलरेशन तो काफी कमजोर है इसका, बट यार देखते हैं क्या होता है, 7.8 सेकेंड ठीक है, लाइक उतना भी कुछ बढ़िया नहीं है बट मतलब ठीक ठाक है, मतलब कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, ठीक अच्छा था, एंड भाई स्क्रीन तो अभी शेक करनी शुरू हो चुकी है, 200 का स्पीड इसने पकड़ लिया है, एंड लेट्स सी आई होप सो कि ये और ऊपर तक का जाए, ओके 235 तक का पहुंच चुकी है ये गाड़ी, एंड आई गेस ये 250 ही जाएगी, यस यार 250 इसका टॉप स्पीड है, उससे ऊपर ये जा नहीं रही है, तो आई गेस यहीं पे ब्रेक लगा देना सही रहेगा, इससे ज्यादा बेफालतू का कुछ करने का फायदा है नहीं है, अरे पैस की यार ये क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट विफ्टे लग रही है यार यहाँ तो, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है मतलब ठीक सा है, इतना भी कुछ खास है नहीं, इसका स्पीड मतलब स्लो है थोड़ा सा, 7.8 सेकंड में इसने 0 to 100 किया, एंड स्पीड रिकॉर्ड भी 250 है, थोड़ा सा और पीछे लेते हैं, एंड अभी हम लोग विद नॉस ट्राई करने वाले हैं कि ये 0 to 100 वगैरह कितने कुछ स्पीड में पकड़ती है, एंड ऑल भाई साहब मैं रिवर्स गियर में 104 पे चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है अभी रोकते हैं गाड़ी को, एंड अभी लेट्स ट्राई विद नॉस, नॉस कैसे दबता था आई गेस ऑल्ट से ना, चलते हैं एंड ओके भाई साहब, अभी मेरे को लग रहा है कि ये 0 to 100 4.4 सेकेंड, ओ नो ओ नो ओ नो, ठीक है मतलब अब सही है ये, बड़ा से चलते हैं, एंड 250 इसका टॉप स्पीड है, 4.4 सेकेंड में इसने 0 to 100 किया, सुपरा का मुझे याद नहीं आएगा, जहाँ तक का मेरे को लगता है सुपरा 4.3 सेकेंड था, कुछ ऐसा ही कुछ था सुपरा का, एंड इससे ज़्यादा तो इसका टॉप स्पीड जा नहीं रहा है, 250 इसका लिमिट है, फिफ्थ गियर फोर्थ गियर पे है ये, एंड 250 पहुंच चुकी है, बस इतना ही है इसका स्पीड, आई डोंट थिंक सो इससे आगे ये बढ़ने भी वाली है, भाई साहब मैं क्या ठोकते हुए लेके जा रहा हूँ गाड़ी को कसम से यार, बूम बाम, काफी तगड़ी वाली लगी है भाई गाड़ी को, ठीक है फटाफट से बैक टू टाउन चलते हैं, एंड या आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, गाड़ी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, 4.4 सेकेंड्स में इसने 0 to 100 किया, स्पीड रिकॉर्ड इसका 250 है,
अच्छा ही है, मतलब एक मस्टैंग एक स्पोर्ट्स कार है, ना ही एक सुपर कार है, ना ही एक हाइपर कार है, बट फिर भी एंड काफी सस्ती भी है, सुपरा से तो काफी सस्ती है कंपैरेटिवली। सुपरा हमने कहा 70-80 हजार की खरीदी थी, एंड मस्टैंग हमने कहा 40 हजार की खरीदी है। तो 40 हजार के मुताबिक मस्टैंग ने काफी अच्छा किया है मेरे मुताबिक तो। सो या आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, गाड़ी को उतार देते एक बारी, एंड रात होने वाली है तो फटाफट से एक बार गैस स्टेशन चलते हैं, गैस स्टेशन में चल के अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा लेते हैं। ओके, पीछे और पीछे लो जरा, अब आगे ले लो। ओके, फटाफट से इंजन बंद करते हैं, यहाँ से नीचे उतरते हैं, एंड अभी आई कांट ऐड फ्यूल देयर, प्लीज पार्क योर कार इन द मिडिल। अरे भाई यार मिडिल में है यार। ओके, थोड़ा सा पीछे आई गेस, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, अभी इसने बोल ही दिया है तो। ओके, अब होपफुली ये भर दे फ्यूल, एंड भाई यहाँ पे गाड़ी अभी आ चुकी है। ओके, फटाफट से फ्यूल भरते हैं एंड फिर घर चलते हैं, एंड मैं आप लोगों को रात होने के बाद इसकी लाइटें भी दिखाने वाला हूँ। भाई ये फ्यूल ऐड क्यों हो रहा है? अबे थोड़ा होता है फिर बीच में रुक जाता है, आई गेस मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ये, एंड आई गेस इतना ही है फुल, इससे ज्यादा भरने नहीं वाला है। सो या फटाफट से घर पे चलते हैं, एंड मैं आप लोगों से सीधा घर पे मिलता हूँ, रात को इसकी लाइटें भी दिखाता हूँ, एंड या ऑलराइट गाइस, क्या आप लोग रेडी हो अपने मस्टैंग को देखने के लिए? लाइट्स में ये देख लो, ग्रीन लाइट्स तो एकदम ही मतलब क्या ही क्रेजी लग रही है, एंड अगर सामने से देखे तो ये देखो गाइस अपनी मस्टैंग कुछ ऐसी लग रही है। भाई साहब इतनी प्यारी लग रही है ना यार ये लाइटें, मेरे को मतलब क्या ही बताओ यार मैं तो। फटाफट से चलते हैं, अंधेरे से निकलते हैं, फटाफट से दरवाजा खोल दो। अबे यार एक तो मेरा गेम काफी ज्यादा लैग होता है, भाई साहब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है कीड़ा, भाई साहब ठीक है। एंड ऑफ डे रिपोर्ट, मनी स्पेंड 0, मनी अर्न 0, क्योंकि हम लोगों ने बस टाइम पास किया है आज के दिन में। एंड या आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं गाइस, ये देखो मस्टैंग को देखते हुए अपना आउटरो देते हैं ना, आज के इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आओगा, वीडियो पसंद आओगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।